गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और हम आज मोरल माइंड का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो आ जाओ, फटाफट शुरू हो जाते हैं। पेज नंबर 1515। देखो, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी पिक्स दिखाई हुई हैं कुछ। इनको देखो ज़रा ध्यान से, ये देखिए। अब इसमें ये कहा गया है कि आपको पता है, नेचर जो है ना, भगवान जी हमेशा हमें स्माइल करने के लिए बोलते हैं। देखो, ये सन भी स्माइल कर रहा है, मून भी स्माइल कर रहा है, स्टार्स भी स्माइल कर रहे हैं, फ्लावर्स भी स्माइल कर रहे हैं। तो जब सब लोग स्माइल करते हैं तो वाई फ्राउन, क्यों परेशान रहना। फ्राउन का मतलब होता है उदास रहना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब सारा नेचर, भगवान जी ने सबको स्माइल करने के लिए भेजा है, तो फिर हम उदास क्यों रहें। देन स्माइल प्लीज़, टणिंग, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑलवेज स्माइल, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं वर्ड फन। वर्ड फन, अब ये इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देती हूँ, आपके सॉरी वाइट बोर्ड पे। इसमें ये बोल रहे हैं, राइट फोर वर्ड्स दैट मेक यू हैप्पी। आप कैसे चार वर्ड्स लिख रहे हैं जो आपको खुश करते हैं, खुश रखते हैं, खुश बनाते हैं, ठीक है। तो पहला इन्होंने एग्जांपल दिया है काइंडनेस। तो फर्स्ट तो इन्होंने लिख दिया है आपके लिए KINDNESS, काइंडनेस। सेकंड हम लिख सकते हैं ऑनेस्टी। जो लोग ईमानदार होते हैं, जो कभी भी बेईमानी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, वो बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड आप लिख सकते हो ऑनेस्टी। थर्ड हम लिख सकते हैं डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ठीक है। और फोर्थ आप लिख सकते हो हार्ड वर्क। अब आप पूछोगे कि मैडम, ये सब हमें खुश कैसे रखने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, काइंडनेस का मतलब अच्छा इंसान होना, कभी किसी को परेशान मत करो। क्योंकि जब आप किसी को परेशान करते हो, सपोज़ करो कि आपके किसी से आपका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, वो भी, उसको भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। कभी ऐसा होता है कि आपका झगड़ा हो गया और आप बड़े मज़े में बैठे हुए और सामने वाले ही परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप किसी के साथ गलत कर देते हो या आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हो, तब आपका भी मूड ख़राब हो जाता है। तो काइंडनेस, हमेशा अच्छे बन के रहो। अच्छे बन के रहो मतलब अच्छे से रहो, कभी किसी को परेशान मत करो, कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, कभी किसी का बुरा नहीं करो, है ना। हो सके तो हेल्प करो दूसरों की। तो काइंडनेस से इंसान को खुशी मिलती है, ठीक। ऑनेस्टी, जब आप अपनी कोई चीज़ ईमानदारी से करते हो। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कभी कि मान लो कुछ दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत से अपने मार्क्स लेकर आते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनके मार्क्स 20 में से 15 आ गए, 16 आ गए, तो उनको बुरा तो लगेगा, लेकिन फिर भी उनको ये रहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, फिर वो दूसरी बार फिर से मेहनत करेंगे, उसके बाद उनके मार्क्स आ जाएंगे 20 में से 20, तो उनको कितनी खुशी होगी, ठीक है। अच्छा, तो ऑनेस्टी, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। दूसरे बच्चा कोई होगा, वो चीटिंग करके 20 में से 20 ले आया, तो हो सकता है कि मैडम उसकी तारीफ भी कर दे कि अरे वाह, तुम्हारे भी 20 मार्क्स आए, वेरी गुड वेरी गुड। उसके पेरेंट्स भी उसको बोलेंगे, अरे वाह, इस बार तो तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, वेरी गुड। लेकिन उसके मन में कभी खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर अच्छे से जानता होगा उसके मन में कि मैंने तो चीटिंग करी है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये सब लोग जो मेरी तारीफ कर रहे हैं वो सब बेकार की तारीफ है, ठीक है। तो अगर जो बच्चा ऑनेस्ट नहीं होगा, जो इंसान ऑनेस्ट नहीं होगा, वो कभी भी मन से खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ऑनेस्टी भी आपको हैप्पीनेस देती है, इट मेक्स यू हैप्पी। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, जो बच्चा बहुत डिसिप्लिन में रह के, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि टाइम पे अपना काम करना, हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत से अपना काम करना। टाइम पे अपना काम करेगा, मेहनत से अपना काम करेगा, और जब वो सक्सेसफुल होगा तो उसको खुशी मिलेगी। दैट्स मीन्स दीज फोर वर्ड्स या दीज फोर वर्च्यूज़ या दीज फोर क्वालिटीज़ मेक्स यू हैप्पी। ये चार क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो किसी भी इंसान को हैप्पी भी बनाती हैं और सक्सेसफुल भी बनाती हैं, ठीक है। तो नोट करो इनको, इनको आपको बुक में ही लिखना है। काइंडनेस तो लिखा हुआ है, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, नो चीटिंग, ठीक है। डिसिप्लिन, DISCIPLINE, एंड फोर्थ इज हार्ड वर्क, HARDWORK, गेटिंग, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं इसी पेज नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो,
पेज नंबर 15, मारू लर्न टू स्माइल फ्रॉम हिज ग्रैंडपा। उसके ग्रैंडपा ने उसे क्या करना सिखाया था, स्माइल करना सिखाया था या फिर एंग्री होना सिखाया था मतलब गुस्से में रहना, या फ्राउन होना सिखाया था, फ्राउन मतलब होता है उदास रहना। तो उसके ग्रैंडपा ने उसको स्माइल करना सिखाया था, तो आप इस पर टिक करोगे और यहाँ स्माइल लिख देना। वी शुड स्माइल व्हेन वी आर हैप्पी, सैड, बोथ ए एंड बी। तो मारू के ग्रैंडपा ने क्या कहा था, जब आप खुश होते हो तब तो आप स्माइल करते ही हो, लेकिन कभी अगर आप उदास भी हो किसी कारण से, कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो भी आपको स्माइल करना चाहिए। यही सिखाया था ना मारू के ग्रैंडपा ने, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो इसे करेक्ट कर देना, और यहाँ लिखना है तो हैप्पी एंड सैड इधर पे लिखना, ठीक है। वॉट इज़ ट्रू अबाउट अ हैप्पी स्माइल, एक हैप्पी स्माइल के लिए क्या ट्रू है, इट ऑलवेज स्माइल्स, इट मेक्स अस स्माइल, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों ही सही हैं, एक हैप्पी स्माइली जो होती है वो हमेशा स्माइल करती है और वो हमें भी स्माइल करना सिखा देती है। तो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ये तीनों आपको समझ आ गए, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 1616 पर, HOTs। HOTs में क्या है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ डज अ स्माइल हेल्प व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो स्माइल हमारे को हेल्प कैसे करती है। तो मारू ने पूछा था ना अपने ग्रैंडपा से कि अगर मैं गिर गया, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे चोट लग गई, तो मैं कैसे स्माइल करूँगा। तो ग्रैंडपा ने क्या कहा था कि जब आप पेन में भी स्माइल करते हो, जब आप प्रॉब्लम में भी स्माइल करते हो, तो आपको दर्द कम होता है, तो आपकी चोट कम हो जाती है ना। तो वही हम लिखते हैं इसका आंसर, HOT आंसर, स्माइल हेल्प्स व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो हम इसको करते हैं, व्हेन वी स्माइल इन अ प्रॉब्लम then problem hurts us less। तो वो जो हमें प्रॉब्लम होती है ना, वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में भी स्माइल करते हैं तो, या इतना बड़ा मत लिखो, ऐसा कर दो प्रॉब्लम इट विल हर्ट अस लेस। When we smile in a problem, it hurts। ऐसे कर दो इसको, it hurts ठीक है, दिखाई दे रहा है सब बच्चों को। Okay, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। ये तो बड़ा सिंपल और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। डू यू हैव अ स्माइलिंग फेस, आस्क योर लव्ड वंस और फ्रेंड्स एंड देन राइट योर आंसर येस और नो। अगर आपको आपका फेस कैसा लगता है, जरा देखना कभी अपना फेस, क्या तुम एक स्माइलिंग फेस हो। स्माइलिंग फेस मतलब क्या, हे हे करने वाला नहीं, हमेशा कोई मैडम डांट रही है, कोई मम्मी डांट रही है तो भी हंसे जा रहे हैं, फिर तो और पिटाई खाओगे। स्माइलिंग फेस का मतलब क्या बताया था मैंने, जो हमेशा खुश रहता हो। तो आप क्या स्माइलिंग फेस हो, हमेशा खुश रहते हो या नहीं, ठीक है। अगर हो तो येस और अगर नहीं हो तो नो, बस इसमें इतना लिख देना, ठीक है। इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, ठीक। और अब हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर कल, पंक्चुअलिटी। तो सब बच्चे ये काम कर लेना, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स हो गए, हार्ड वर्ड्स हो गए हैं, क्विक रिकैप के क्वेश्चन हो गए हैं, वर्ड फन हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, HOTs हो गए, और शेक हैंड्स विथ योरसेल्फ हो गया। दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे, टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन डू योर वर्क,
डू योर वर्क विद सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग. बाय बाय.